हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई नो कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, मतलब अच्छे हो। आज मैं आपके साथ नान खटाई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि मैंने बेसन से बनाया है, बेसन नान खटाई। इसे हम घर पर ही बहुत ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से, जो कि बेकरी से भी टेस्टी बनेगा। इसके लिए एक मिक्सर जार में 1 कप चीनी को अच्छी तरीके से पाउडर बना लेंगे। हमने चीनी को अच्छी तरीके से पीस लिया है, हमें इस तरह का पाउडर चाहिए होगा। अब हम एक बड़ा सा बोल लेंगे और इसके अंदर आप आधा कप घी डालेंगे। घी जमा हुआ हो, मेल्टेड घी नहीं चाहिए। और हमने जो चीनी का पाउडर बनाया था उसे इसके अंदर मिक्स कर लेंगे और इसे खूब अच्छी तरीके से फेंटेंगे। इसे तब तक फेंटना है जब तक ये क्रीम जैसा ना हो जाए, बस इसे फेंटते रहेंगे। थोड़ी थोड़ी देर हाथों को रेस्ट दे लेंगे। अभी क्रीम जैसा हो गया है, मतलब हमने अच्छे से फेंट लिया है। अब ये जो भी कॉर्नर पे लगे हैं सभी एक जगह, सबको एक जगह बीच में इकट्ठा कर लेंगे। अब एक दूसरा बोल लेंगे और इसके अंदर 1.5 कप बेसन डालेंगे। 1.5 कप से थोड़ा सा ज़्यादा ही है। एक चम्मच बेकिंग पाउडर, मैंने बेकिंग पाउडर का यूज़ किया है, बेकिंग सोडे का इस्तेमाल नहीं करते हैं बिस्किट बनाने में। 1 चम्मच मैदा, 1 चम्मच सूजी, 1/2 चम्मच इलायची पाउडर। अब इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और हमने जो चीनी और घी को फेटा था उसके अंदर ये सारे बेसन के मटेरियल को डाल देंगे और इस तरीके से इसे हाथों से मिक्स करेंगे। सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला लेना है, लेकिन इसे गूथना नहीं है, हमें इस तरीके से हाथों से मिक्स करना है। अब ये बंधने लगा है, मतलब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है और इसमें हमें और घी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। आप देख सकते हैं ये ऐसे लड्डू की तरह बन रहा है। अब हम एक इस तरीके का स्पून लेंगे और उसके ऊपर थोड़ा सा मटेरियल डालेंगे और उसे इस तरीके से दबाएंगे। इसे बाहर निकालेंगे। अब इसे बिल्कुल हल्के हाथों से गोल करेंगे, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, नहीं तो ये टूटने लगेंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से करना है, ऐसे शेप दे लेना है इसे। अब इन्हें हम एक बेकिंग ट्रे में लगाते जाएंगे। इसी तरीके से सारे बिस्किट तैयार कर लेंगे। आप जो मसाले वाले स्पून मिलते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसी तरीके से सारे नान खटाई तैयार कर लिए हैं। अब एक नाइफ लेंगे और इस तरीके से उसमें निशान लगाएंगे, सारे बिस्किट में ऐसे निशान लगा लेंगे। मैं एक नज़दीक से दिखाती हूँ आपको, इस तरीके से प्लस का निशान लगाना है। हमें इसमें थोड़ा सा गैप देना है और इसके अंदर कटे हुए पिस्ता को इसके अंदर हल्का सा प्रेस करके और इसके अंदर डाल देना है। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है हमें। एक और देख लो आप, इस तरीके से बिल्कुल हल्के हाथ से। अब ऐसे ही हम सारे तैयार कर लेंगे।
मेरे सारे नान खटाई तैयार कर लिए हैं। इसे थोड़ी थोड़ी देर थोड़ी थोड़ी दूरी की गैप में रखें। अब इसे प्री हीटेड ओवन में 20 मिनट के लिए बेक होने के लिए रख देंगे। 200 डिग्री पे बेक होगा और ऊपर नीचे दोनों रॉड जलेंगे। पांच मिनट के बाद आप देख सकते हो, अब ये 10 मिनट के बाद देखो आप, इनमें क्रैक आने लगे हैं। इसका मतलब बिस्किट अच्छी तरीके से बेक हो रहे हैं। अब हमारी बिस्किट तैयार हो गए हैं, अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। मेरी नान खटाई रेडी हो चुकी है। अभी ये बहुत गर्म है, इसे हाथ नहीं लगाना है। अगर गर्म में ही हम इसे हाथ लगाएंगे तो ये टूट जाएगा। अब हम इसे ठंडा होने देंगे। किसी ऐसी जगह पे रख देंगे जहाँ पे ये अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी रेसिपीज़ को लाइक करें। मैं नान खटाई ठंडे हो गए।